अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? पहला ऑप्शन 97, दूसरा ऑप्शन है 89, तीसरा ऑप्शन है 95 और चौथा ऑप्शन है 86। सही उत्तर है 89। पृथ्वी ग्रहों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन 8 और तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 7। सही ऑप्शन है 4। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है उल्का, उल्का, अभिनव तारा, धूमकेतु या ये सभी? सही ऑप्शन है अभिनव तारा। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शुक्र, तीसरा ऑप्शन है सूर्य और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। सही ऑप्शन है सूर्य। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं? 3 से 8 मिनट, 8 से 3 मिनट, 7 से 4 मिनट और 9 से 3 मिनट। सही ऑप्शन है 8 से 3 मिनट। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है मंगल में, दूसरा ऑप्शन है शनि में, तीसरा ऑप्शन है बुध में और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति में। सही ऑप्शन है बुध में। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है? पहला ऑप्शन है मंगल, दूसरा ऑप्शन है शनि, तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है बुध। सही ऑप्शन है बुध। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पृथ्वी, दूसरा ऑप्शन है शनि और तीसरा ऑप्शन है शुक्र और चौथा ऑप्शन है चंद्रमा। सही ऑप्शन है शुक्र को। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 9 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। सही आंसर है 5। हेलो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको यह थोड़ा भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे चल के इस वीडियो पे सब्जेक्ट वाइज जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? पहला ऑप्शन है गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। सही ऑप्शन है गंगा नदी। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, दूसरा ऑप्शन है गोमती, तीसरा ऑप्शन है गंगा नदी और चौथा ऑप्शन है चंबल। सही ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? पहला ऑप्शन है चार मीनार, दूसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार, तीसरा ऑप्शन है झूलता मीनार तथा ऑप्शन है शहीद मीनार। सही ऑप्शन है कुतुब मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? पहला ऑप्शन है भाखड़ा बांध, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध और तीसरा ऑप्शन है हीराकुंडा बांध और चौथा ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध। सही ऑप्शन है हीराकुंडा बांध। भारत का सबसे लंबी सुरंग है? पहला ऑप्शन है चेनानी नैसारी सुरंग, दूसरा ऑप्शन जवाहर सुरंग और तीसरा ऑप्शन है मल्लिगुड़ा सुरंग और चौथा ऑप्शन है कामसेट सुरंग। सही ऑप्शन है चेनानी नैसारी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है?
हरमंदिर साहब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुमतेश्वर। सही आंसर है स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? पहला ऑप्शन है 1917 में, दूसरा ऑप्शन है 1915 में, तीसरा ऑप्शन है 1916 में और चौथा ऑप्शन है 1925 में। सही ऑप्शन है 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन है दिल्ली में, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता में, तीसरा ऑप्शन है मुंबई में और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु में। सही उत्तर है मुंबई में। भारत का पहला मंत्रिमंडल सचिव एन आर पिल्ले, अमित शाह, उमा भारती, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है NRK पिल्ले। भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है जनरल RK आर्यन थापर, दूसरा ऑप्शन है जनरल राजेंद्र सिंह जी, तीसरा ऑप्शन है जनरल AS थिमैया और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जनरल राजेंद्र सिंह जी। भारत का पहला वायुसेना अध्यक्ष, पहला ऑप्शन है एयर मार्शल थॉमस, दूसरा ऑप्शन है एयर मार्शल सर रोनाल्ड चैंपमैन और तीसरा ऑप्शन है एयर मार्शल सर जेराल्ड गिब्स और चौथा ऑप्शन है एस मार्शल AS मुखर्जी। सही आंसर है एयर मार्शल थॉमस। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है एडमिरल सर मार्क पीच और दूसरा ऑप्शन है वाइस एडमिरल RD कटारी और तीसरा ऑप्शन है रियल एडमिरल JTS हॉल और चौथा ऑप्शन है एडमिरल AK चटर्जी। सही ऑप्शन है रियल एडमिरल JTS हॉल। अगर दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ समय बाद इस चैनल पर सब्जेक्ट वाइज